हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नागरिका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे नागरिका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के अंदर अगर आप देखोगे तो 10% की यहां पे लोअर सर्किट लगा हुआ है, और यहां पे लोअर सर्किट लगना है, हम पहले ही बता चुके थे कि यहाँ पे नागरिका एक्सपोर्ट जब राइट इशू ला रही है तो यहाँ पे लिक्विडिटी इंक्रीज करेगा ही करेगा, और इसके अंदर एक गिरावट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वो ए स्टॉक है जो एक तरह से अगर आप देखोगे तो 6 मंथ में 23% का अभी भी रिटर्न देखने को मिल रहा है। एक साल में आपको 100% का रिटर्न दिया था, यहाँ पे 5 ईयर्स की बात करें तो 175% का रिटर्न देखने को मिलता है। दोस्तों, नागरिका एक्सपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे जो रिटर्न दिया है उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत जरूरी था, और यहाँ पे ये बुकिंग अभी के टाइम पे चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। अगर आपने हायर प्राइस पे आपने बाइंग कर रखा है, अगर आपने 34 रुपया से पहले बाइंग किया है इसके, तो यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना है। यहाँ पे होल्ड करके चलिए, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे महंगा अभी भी नहीं है। एक दशक अगर हम कहें इनके जो पी अभी आप देखोगे उसके अकॉर्डिंग ये सस्ता स्टॉक आपको अभी भी नजर आएगा, नागरिका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। दोस्तों, रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पे राइट इशू भी लाया था, जिसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्स आपको शेयर किया था अपने इन चैनल पे। लेकिन इसी प्रकार के अपडेट रेगुलर पाने के लिए दोस्तों, तो वीडियो को यहाँ पे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन के जरिए अपडेट भी मिलता रहे। साथ में नागरिका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपको चीज़ें देखने को मिलेगा, बेसिकली 60 साल पुरानी कंपनी है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे नागरिका एक्सपोर्ट्स जो यहाँ पे टेक्सटाइल्स में फूड पैकेजिंग की है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और केमिकल में काम करती हुई नजर आती है। दोस्तों नागरिका बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स लिमिटेड करके एक कंपनी, इनकी सब्सिडियरी जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कोल टार पिच है, जो ये कंपनी इसमें काम करती हुई नजर आती है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें नागरिका एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे कॉटन यार्न्स की बात कर लें, फैब्रिक्स की बात कर लें, तो इन सारी चीज़ों में भी नागरिका एक्सपोर्ट्स वन ऑफ द मतलब बेस्ट कंपनी है। और यहाँ पे फूड पैकेज, एल्युमिनियम फॉयल जो आप यूज करते हैं खाने को पैकिंग करने के लिए, वो भी नागरिका एक्सपोर्ट ही बनाती हुई नज़र आती। तो इनके प्रोडक्ट एंड यहाँ पे अगर हम बिजनेस देखें तो काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली अचीवमेंट इस कंपनी की, जो एक तरह से बहुत सारी अचीवमेंट इनको ऑलरेडी पहले भी मिल चुका है, और यहाँ पे आगे भी इस कंपनी को एक अचीवमेंट मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें नागरिका एक्सपोर्ट्स की, तो आज लोअर सर्किट है, लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक के अंदर एंट्री करने का सही टाइम है, क्योंकि कंपनी के जो शेयर प्राइस आपको अभी के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं 34 रुपया पे, और यहाँ पे कंपनी की जो बुक वैल्यू है 36 रुपया 70 पैसा से नीचे है इसकी बुक वैल्यू। तो यहाँ पे एक तरह से इससे नीचे अगर मिल रहा है, बुक वैल्यू से नीचे इसका प्राइस मिल रहा है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज समझिए। और यहाँ पे स्टॉक का पी देखोगे तो 11 पे है, और इंडस्ट्री का पी 20 पे है। तो दोस्तों, यहाँ पे पी के हिसाब से भी अगर देखोगे तो ये स्टॉक अभी के टाइम पे सस्ता नजर आता है। 1989 से कंपनी चल रही है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन यार्न्स एंड अदर वेरियस मर्चेंडाइज में काम करती हुई नजर आती है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिकली तो ये कंपनी का आरओसी या आरओई उतना अच्छा तो नहीं है, कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में कंपनी अच्छी नज़र आती है। ईपीएस देखो आप, 34 रुपया के शेयर प्राइस है, और ईपीएस 3 रुपया 90 पैसा का बना रही है। दोस्तों, यहाँ पे फेस वैल्यू भी 5 रुपया का, और कंपनी अभी तक यहाँ पे डिविडेंड देती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन प्रमोटर इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं, 57% से भी ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर का खुद है। पेटर्स की स्कोर देखें तो आउट ऑफ 10 में यहाँ पे 6 रेटिंग दिया गया है। एज पर द ग्राहम नंबर इसके 50 रुपया प्राइस होनी चाहिए दोस्तों, लेकिन ये 50 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है। RSI अभी भी यहाँ पे एक तरह से देखें तो न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बीरिस भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कभी भी अपर सर्किट भी लगता हुआ नज़र आ सकता है इस कंपनी के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास रिजर्व 108 करोड़ का है, 192 करोड़ का यहाँ पे
डेब्ट है, तो इतना कर्ज कंपनी मैनेज कर सकती है, क्योंकि कंपनी का ये जो प्रॉफिट है, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी सही रहता है। लेकिन यहाँ पे रिसेंटली अभी इस कंपनी का दिसंबर क्वार्टर की अगर हम खास करके बात करें, तो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स कंपनी का उतना अच्छा नहीं रहा। कंपनी का सेल्स 70 करोड़ से बढ़ के 152 करोड़ हो गया, लेकिन यहाँ पे मार्जिन 6.81% से घट के 4.55% रह गया, जिसकी वजह से 41 लाख से प्रॉफिट घट के 3 लाख हो गया दोस्तों। तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम हुआ, लेकिन कंपनी का सेल्स बहुत तगड़ा इजाफा हुआ देखने को मिला। तो सेल्स बढ़ा है तो यहाँ पे प्रॉफिट भी आगे कंपनी ज़्यादा करती हुई नज़र आएगी, लेकिन अभी के टाइम पे इसमें गिरावट ही देखने को मिलेगा दोस्तों। 30 रुपया से नीचे आता है स्टॉक तो बेस्ट बाइंग जोन होगा मुझे लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार का बाय एंड सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही वीडियो दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस देखें तो DIIs इतनी छोटी कंपनी के अंदर 0.01% की यहाँ पे होल्डिंग रखे हुए हैं, और 42.68% की होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक के पास है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे रिसेंटली मार्च क्वार्टर में जो प्रमोटर है अपनी होल्डिंग खुद इंक्रीज करते हुए नजर आए, तो ये सबसे बड़ी बात है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, जो यहाँ पे आपको करीब करीब 5% यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज करते हुए नजर आए हैं प्रमोटर। और जब किसी कंपनी के अंदर प्रमोटर खुद बाइंग करते हैं ना, तो यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी एक तरह से पॉजिटिव मैसेज जाता है उन लोगों के पास भी कि यहाँ पे कंपनी ट्रस्टेबल है, और अगर प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं तो कंपनी बहुत अच्छा आगे चल के परफॉर्म करेगी ही करेगी, प्रमोटर का बिलीव है इसके अंदर। फिर यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे बैलेंस शीट कंपनी के अंदर, बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आपको देखने को नहीं मिलेगा। इक्विटी कैपिटल 6 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पे, और 108 करोड़ यहाँ पे रिजर्व है, 192 करोड़ कर्ज है। अदर लाइबिलिटीज कंपनी के देखें 43 करोड़ है, और यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज टोटल एसेट्स हैं जो कंपनी का इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले इनका और भी अच्छा था, लेकिन उससे थोड़ा सा अभी के टाइम पे डाउन हुआ है। लेकिन मार्च से सितंबर में अगर हम देखें तो यहाँ पे इनकी टोटल लाइबिलिटीज टोटल एसेट्स इंक्रीज किया है। टोटल कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी माइनस अमाउंट में करती रहती है कुछ ना कुछ, क्योंकि छोटी कंपनी जिस लेवल की कंपनी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे खर्चे भी करती रहती है दोस्तों। यहाँ पे मैं तो ये नागरिका एक्सपोर्ट्स के बहुत बात कर रहा था, और यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी का एक तरह से आने वाले टाइम में इसके शेयर में फिर से उछाल देखने को मिलेगा आफ्टर द इलेक्शन। लेकिन यहाँ पे दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर अभी के टाइम पे आप लॉस में हैं दोस्तों, तो आँख बंद करके इस स्टॉक को होल्ड करके बैठ जाएं। तो यहाँ पे आने वाले पेनी स्टॉक है, लेकिन ये जब भी रिटर्न देगा तो एक बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न देता हुआ नजर आएगा ये कंपनी। तो दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।